पिछले दिनों सीमावर्ती खेमकरण क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से जिस ड्रायन से हथियारों की बड़ी खेप को भेजा गया था उसे पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिया है। पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल एसएससी ने यह ड्रोन भारत पाक सीमा पर स्थित जिला तरन तारण के झबाल क्षेत्र से बरामद किया है। ड्रोन की बरामदगी बीते दिनों गिरफ्तार खलिस्तानी आतंकियों से पूछताछ में खुलासे के बाद हुई है। इसी बीच सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आतंकियों के निशाने पर अब माधोपुर संयंत्र छावनी है। पूरे छावनी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ड्रोन पर भी खास नजर रखी जा रही है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आतंकी आकाशदीप सिंह और उसके साथियों ने ड्रोन और इससे भेजे गए हथियारों के बारे में राज खोला। हथियारों के साथ पकड़े गए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स केजेडीएफ के आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले इस ड्रोन को जलाकर नष्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब यह पूरी तरह जल नहीं पाया तो उसे झबाल के एक खाली गोदाम में छिपाकर रख दिया गया। इसके बाद एसएससी की टीम ने यह अधजला ड्रोन एक गोदाम से बरामद किया। 10 किलो का ड्रोन आसानी से उठा सकता है। 4.5 किलो की एक केरनल पकड़े गए ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है। यह एक बार में 4.5 किलो की एक 147 राइफल को उड़ाकर ला सकता है। अब इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है कि यह ड्रोन कितनी बार कंटीली तार पार करके भारत आया। केवल एक ही ड्रोन इस काम में लगाया गया था या ड्रोन की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। एसएससी के एक अधिकारी के अनुसार ड्रोन को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया है। जांच में यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आईएसआई की ओर से भेजे गए इस ड्रोन में किस तरह के उपकरण फिट किए गए थे। यह भी आशंका इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से 3-4 तरह के ड्रोन में जाली करेंसी और हथियार भेजे गए होंगे। इसे लेकर ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर जेआईसी में आतंकी आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश, बलवंत सिंह उर्फ बाबा उर्फ निहंग, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह और मान सिंह से पूछताछ जारी है। अभी तक की खास बात, अभी तक आकाशदीप ने पूछताछ में माना कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थक रंजीत सिंह नीटा से वे कई बार फोन पर बात कर चुका है। उसे नीटा का नंबर जर्मनी में रह रहे आतंकी गुरमीत सिंह उर्फ बगा ने दिया था। बगा के इशारे पर नीटा आईएसआई को हथियार सीमा पार पहुंचाने के लिए सुरक्षित जगह बता रहा था। वहीं इन हथियारों की खेप के लिए लोकेशन और टाइम आकाशदीप खुद सेट करता था।